पढ़ा है तापमान को प्रभावित करने वाले कारक, और इसके बाद दूसरा टॉपिक है तापीय व्युत्क्रमणता, थर्मल इनवर्जन, या इसी को कोई तापीय अनुप्रतिलोमन भी लिखता है, तापीय प्रतिलोमन, लेकिन इंग्लिश में एक ही शब्द रहेगा थर्मल इनवर्जन। इंग्लिश में है थर्मल इनवर्जन, थर्मल इनवर्जन, और इंग्लिश में है तापीय, और हिंदी में है तापीय व्युत्क्रमणता या तापीय प्रतिलोमन। ये है क्या तापीय प्रतिलोमन? सामान्यतः आपने पढ़ा है कि जो वायुमंडल की सबसे निचली परत है, जो क्षोभ मंडल है ना, वायुमंडल की सबसे निचली परत, ऐसे पृथ्वी की सरफेस है, अर्थ सरफेस है, और अर्थ सरफेस और वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर में ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट आती है। ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट क्यों आती है? क्योंकि आपने पढ़ा है कि जो वायुमंडल की सबसे निचली परत ट्रोपोस्फियर है, वह क्या होता है, यहाँ पर सूर्य है, तो सूर्य से जो विकिरण आ रही है लघु तरंग सौर विकिरण, या ब्रीफ में केवल हम लोग सौर विकिरण कह देते हैं, सोलर रेडिएशन। सोलर रेडिएशन की, सोलर रेडिएशन का क्या होता है, सोलर रेडिएशन की तरंग दैर्ध्य कम होती है, तरंग दैर्ध्य कम होती है तो आवृत्ति ज्यादा होती है, आवृत्ति ज्यादा होती है तो ऊर्जा ज्यादा होती है, आवृत्ति ज्यादा हो गई तो E=hν होता है, ऊर्जा ज्यादा होती है, ऊर्जा ज्यादा होती है तो वेधन क्षमता ज्यादा होती है। तो जो सौर विकिरण है वह वायुमंडल की जो सघनतम परत क्षोभ मंडल है, जिसमें पूरे वायुमंडल का 85% समाहित है, इसको तेजी से भेजते हुए धरातल तक सौर विकिरण पहुंच जाती है और धरातल को कम गर्म कर पाती है। लेकिन जो पार्थिव विकिरण है, पार्थिव विकिरण का तरंग दैर्ध्य ज्यादा है, तरंग दैर्ध्य ज्यादा है तो आवृत्ति क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना, पढ़ा ही आपने, क्योंकि तरंग का वेग अगर कांस्टेंट है, सीमा लिया जाए तो यह न्यू और लैम्डा, मतलब आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य के गुणनफल के बराबर होता है तरंग का वेग, और तरंग का वेग कांस्टेंट है, प्रकाश के वेग के बराबर है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, तो क्या होगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, तो तरंग दैर्ध्य पार्थिव विकिरणों का ज्यादा होता है, इसलिए आवृत्ति कम होती है, और आवृत्ति कम होती है तो E=hν, h क्या है, प्लांक कांस्टेंट है, और μ क्या है, आवृत्ति है, तरंग की ऊर्जा तरंग की आवृत्ति के सीधे समानुपाती होती है, और इसलिए तरंग की ऊर्जा ज्यादा होगी, तरंग की आवृत्ति कम है, तरंग दैर्ध्य ज्यादा है तो आवृत्ति कम है, आवृत्ति कम है तो ऊर्जा कम है, पार्थिव विकिरणों की ऊर्जा कम होती है, ऊर्जा कम है तो वेधन क्षमता कम है, वेधन क्षमता कम है तो जो पार्थिव विकिरण है वह क्षोभ मंडल से शीघ्रता से गुजर नहीं पाती, बल्कि क्षोभ मंडल से बहुत धीरे धीरे क्षोभ मंडल को भेजते हुए बाहर निकलती है, धीरे धीरे बाहर निकलती है, तो इसका उसमें प्रभाव तो कम है, लेकिन धीरे धीरे ये बाहर निकलती है, इसलिए वायुमंडल को गर्म करने में पार्थिव विकिरण का योगदान ज्यादा होता है। क्षोभ मंडल के हीटिंग में, उष्मन में पार्थिव विकिरणों का योगदान 86% होता है, और सौर विकिरणों का योगदान मात्र 14% होता है, और यही कारण है कि क्षोभ मंडल में, अब क्षोभ मंडल का हीटर कौन है, क्षोभ मंडल का हीटर हो गया अर्थ सरफेस, और इसीलिए अर्थ सरफेस से दूर जाने पर क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट दर्ज की जाती है। एकांक ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट क्या कहलाती है? एकांक ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट सामान ताप ह्रास दर कहलाती है ना, तो नॉर्मल लैप्स रेट, तो क्षोभ मंडल के लिए जो नॉर्मल लैप्स रेट है इसका मान कितना है? क्षोभ मंडल के लिए नॉर्मल लैप्स रेट का मान कितना है? क्षोभ मंडल के लिए नॉर्मल लैप्स रेट का मान है 6.4 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर। क्षोभ मंडल के लिए सामान्य ताप ह्रास दर का मान 6.4 या कहीं 6.5 लिख देते हैं लोग डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर, या यही हो जाता है 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 165 मीटर, या यही हो जाता है कितना 3.6 डिग्री फारेनहाइट पर 1000 फीट हो जाता है ना। तो इस प्रकार से क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट आती है, लेकिन कहीं कहीं पर क्या होता है, कभी 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 किसी स्थान पर क्षोभ मंडल में वायुमंडल की निचली परत में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में गिरावट दर्ज होने लगती है। क्षोभ मंडल में भी इसके ऊपर की स्थिति भी कहीं
कहीं होती है, लेकिन ज्यादा करके इस परिघटना को हम लोग क्षोभ मंडल नहीं पढ़ेंगे। तो क्षोभ मंडल में क्या है, ऊंचाई बढ़ने के साथ, वायुमंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में गिरावट के बजाय वृद्धि होने लगती है, वृद्धि होने लगती है। और सामान्य दशा तो यह है, ऊंचाई बढ़ने के साथ क्षोभ मंडल में, ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में गिरावट। लेकिन इसके व्युत्क्रम घटना हो जाए, ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में गिरावट के बजाय तापमान में वृद्धि होने लगे, तो यह परिघटना कहलाती है तापीय व्युत्क्रमणता, थर्मल इन्वर्सन या तापीय प्रतिलोमन। तापीय प्रतिलोमन की जो घटना है ये कई कारणों से होती है और कारणों के आधार पर इसके कई प्रकार भी बताए गए हैं। तापीय व्युत्क्रमणता या तापीय प्रतिलोमन के जो प्रमुख प्रकार है, अलग अलग बुक्स में आप अलग अलग ढंग से पढ़ेंगे, आपको मैं प्रेसाइज फॉर्म में दे रहा हूं और यही सबसे महत्वपूर्ण है। मैंने बहुत से किताबों का अध्ययन किया है, अपने एमएससी जियो फिजिक्स की बुक्स में जो फारे राइटर्स की है उनसे सब मैटर ले करके इस टॉपिक को दे रहा हूं। तो इसमें क्या है कि तापीय व्युत्क्रमणता के जो प्रमुख प्रकार है उसको हम लोग केवल चार प्रकारों में विभाजित कर सकते हैं। तापीय व्युत्क्रमणता के जो प्रमुख प्रकार है वो है चार। पहला स्थिर व्युत्क्रमणता, या इसी को हम लोग विकिरण व्युत्क्रमणता भी कह सकते हैं, रेडिएशनल इन्वर्सन या स्टेबल इन्वर्सन, या इसी को कह सकते हैं नॉन एडवेक्शनल इन्वर्सन, अप्रवाही व्युत्क्रमणता। और व्युत्क्रमणता का दूसरा प्रकार है, तापीय व्युत्क्रमणता का दूसरा प्रकार है गतिक व्युत्क्रमणता, डायनेमिक इन्वर्सन, या प्रवाही व्युत्क्रमणता एडवेक्शनल इन्वर्सन, अधिवतली को भी हम लोग एडवेक्शनल इन्वर्जन भी कहते हैं, एडवेक्शनल इन्वर्जन, अधिवतली या प्रवाही व्युत्क्रमणता और गतिक व्युत्क्रमणता, एक ही का तीनों नाम है। कुछ जगहों पर इन्हीं को अलग अलग टाइप में लिख देते हैं या इनको अलग अलग टाइप में लिख देते हैं, लेकिन ये एक ही। अब इसके ये अलग है स्थिर व्युत्क्रमणता या विकिरण व्युत्क्रमणता या अप्रवाही व्युत्क्रमणता, और दूसरा व्युत्क्रमणता का प्रकार हो गया गतिक व्युत्क्रमणता या प्रवाही व्युत्क्रमणता या अधिवतली व्युत्क्रमणता, और तीसरा है वाताग्री फ्रंटल या चक्रवाती व्युत्क्रमणता। शीतोष्ण चक्रवातों की उत्पत्ति वाताग्र के ही विकसित होने से होता है, तो वाताग्री व्युत्क्रमणता या चक्रवाती व्युत्क्रमणता। और व्युत्क्रमणता का जो चौथा प्रकार है वह क्या है, यांत्रिक व्युत्क्रमणता, मैकेनिकल इन्वर्सन। तो इन्वर्सन के कितने प्रकार हो गए, चार, केवल मात्र इन्वर्सन के, थर्मल इन्वर्सन के चार प्रकार है, तापीय व्युत्क्रमणता के चार प्रकार हो गए। पहला है स्थिर व्युत्क्रमणता या विकिरण व्युत्क्रमणता या प्रवाही अप्रवाही व्युत्क्रमणता, दूसरा हो गया गतिक व्युत्क्रमणता या प्रवाही व्युत्क्रमणता या अधिवतलीय व्युत्क्रमणता, तीसरा हो गया वाताग्र व्युत्क्रमणता या चक्रवाती व्युत्क्रमणता या यांत्रिक व्युत्क्रमणता, यही व्युत्क्रमणता के चार प्रकार है। अब इसमें हम लोग पहला जो प्रकार है तापीय व्युत्क्रमणता के, थर्मल इन्वर्सन के, उसको पढ़ेंगे, वह है स्थिर व्युत्क्रमणता या विकिरण व्युत्क्रमणता या अप्रवाही व्युत्क्रमणता, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो स्थिर विकिरण व्युत्क्रमणता किसको कह रहे हैं, यह व्युत्क्रमणता का ऐसा प्रकार है जिसकी उत्पत्ति विकिरण के उत्सर्जन की दर में अंतर के कारण होती है। विकिरण व्युत्क्रमणता को विकिरण व्युत्क्रमणता इसलिए कहते हैं क्योंकि व्युत्क्रमणता के इस प्रकार की उत्पत्ति विकिरण के उत्सर्जन की दर में अंतर के कारण होती है, इसलिए इसको कहते हैं विकिरण व्युत्क्रमणता। इसको स्थिर व्युत्क्रमणता भी कहते हैं क्योंकि यह वायुमंडल की स्थिर दशाओं में ही उत्पन्न होती है, इसलिए इसको स्टेबल इन्वर्जन भी कहते हैं। इसे अप्रवाही व्युत्क्रमणता भी कहते हैं क्योंकि व्युत्क्रमणता के इस प्रकार में पवन प्रवाह या पवन संचार मंद होता है, बहुत कम होता है, पवन प्रवाह का योगदान विकिरण व्युत्क्रमणता के उत्पन्न होने में नहीं होता है। सामान्यतः पवन प्रवाह जब मंद होती है या बहुत शांत होता है पवन प्रवाह, तभी व्युत्क्रमणता का यह प्रकार उत्पन्न होता है, इसलिए इसका एक नाम हो गया अप्रवाही व्युत्क्रमणता। क्लियर है ये बात। अब देखिए क्या है कि विकिरण व्युत्क्रमणता के जैसे क्या कैसे विकिरण व्युत्क्रमणता क्यों कह रहे हैं इसको, क्योंकि धरातल है पृथ्वी की सतह, पृथ्वी की सतह से विकिरण का उत्सर्जन वायुमंडल वायु की जो परतें हैं, वायु की जो परतें हैं उनकी अपेक्षा धरातल से विकिरण के उत्सर्जन की दर
वायु की परतों से विकिरण के उत्सर्जन की दर और धरातल से विकिरण के उत्सर्जन की दर में अंतर होता है और इस कारण से व्युत्क्रमणता का यह प्रकार उत्पन्न होता है। जैसे है क्या कि अब जब इसके कारण हम लोग पढ़ेंगे तो ये बात और क्लियर हो जाएगी। धरातल विकिरण का उत्सर्जन तेजी से कर देगा तो धरातल शीतल और इसके संस्पर्श की वायु शीतल हो जाएगी और कुछ ऊंचाई पर स्थित वायु जो ऊष्मा की कुचालक है विकिरण का बहुत ही मंद दर से उत्सर्जन कर रहा है वो विकिरण का धीरे धीरे उत्सर्जन करता है और इसलिए कुछ ऊंचाई पर स्थित वायु धरातल के संस्पर्श वाली वायु की अपेक्षा गर्म बनी रहती है तो नीचे से ऊपर बढ़ने पर क्या हो जाएगा तापमान आपको घटने के बजाय बढ़ता हुआ मिलेगा। तो ये सामान्य से व्युत्क्रमण की स्थिति हो गई इसलिए इसको विकिरण व्युत्क्रमणता कहते हैं। विकिरण व्युत्क्रमणता के जो कारण है उनमें जैसे पहला हो गया या दशाएं है किन दशाओं में विकिरण व्युत्क्रमणता की उत्पत्ति होती है विकिरण व्युत्क्रमणता के कारण नहीं कहेंगे बल्कि विकिरण व्युत्क्रमणता की दशाएं अर्थात किन दशाओं में विकिरण व्युत्क्रमणता की स्थिति उत्पन्न होती है। तो पहली दशा है शीत ऋतु की लंबी रातें। शीत ऋतु की लंबी रातों में देखिए क्या होता है शीत ऋतु की लंबी रातें हैं ये पृथ्वी की सरफेस हो गया पृथ्वी की सतह और ये है क्षोभ मंडल। तो शीत ऋतु की लंबी रातों में दिन की अवधि कम होती है तो जो सौर विकिरण है सौर विकिरण वो तो धरातल तक कम आती है लेकिन रात्रि के समय क्या होती है धरातल शीतल होने की प्रक्रिया में पार्थिव विकिरणों का उत्सर्जन करती है या विकिरण का उत्सर्जन करती है धरातल जिसे हम लोग पार्थिव विकिरण कहते हैं शीत ऋतु की लंबी रातों में। तो रात्रि लंबी हो गई तो लगातार धरातल द्वारा पार्थिव विकिरण का उत्सर्जन जारी है धरातल द्वारा पार्थिव विकिरण का उत्सर्जन जारी है तो इससे क्या होता है कि धरातल लंबे समय तक पार्थिव विकिरण का उत्सर्जन करते रहने के कारण धरातल हो जाता है शीतल पृथ्वी का सतह हो जाता है जिस स्थान पर शीत ऋतु है शीत ऋतु की लंबी रात है तो वहां का धरातल विकिरण के उत्सर्जन के कारण क्या हो जाएगा शीतल और धरातल शीतल तो इसके संस्पर्श की वायु भी शीतल इसके संस्पर्श के इसके कॉन्टैक्ट की जो एयर है वह भी शीतल हो जाएगी। जबकि कुछ ऊंचाई पर जो स्थित वायु है वह क्या है विकिरण का वह कुछ ऊंचाई पर जो वायु है वह क्या होती है विकिरण का उत्सर्जन मंद दर से कर रही है तो वो गर्म बनी रहेगी अपेक्षाकृत धरातल वायु की निचली परतों की अपेक्षा गर्म बनी रहेगी। इसके अलावा जो थोड़ी ऊंचाई पर स्थित परत है वो जो धरातल की विकिरण उत्सर्जित हो रही है उसका अवशोषण भी कर रही है। धरातल से जो विकिरण उत्सर्जित हुई तो जाएगी कहां वायुमंडल की ऊपरी परतों में जाएगी तो जो ऊपर जब बढ़ रही है तो क्या है सघन वायुमंडल है शीत ऋतु की तो यह विकिरण का अवशोषण भी करेगी। दूसरा कुछ ऊंचाई पर स्थित जो वायु है वह उष्मा की कुचालक वायु उष्मा की कुचालक होती है अर्थात देर में गर्म देर में ठंडी होगी बहुत ही कम प्रभाव उष्मा का उस पर रहेगा तो यहाँ से उष्मा का उत्सर्जन मंद दर से होगा तो ऊंचाई पर स्थित वायु रहेगी गर्म और नीचे की वायु रहेगी शीतल तो नीचे की शीतल वायु के प्रभाव से ऊपर की गर्म वायु शीतल होगी और ऊपर की गर्म वायु के प्रभाव से नीचे की शीतल वायु गर्म होने का प्रयास करेगी तो नीचे से ऊपर बढ़ने पर तापमान बढ़ता हुआ मिलेगा अर्थात तापीय व्युत्क्रमणता ये विकिरण व्युत्क्रमणता की स्थिति किस दशा में उत्पन्न होगी किस दशा में उत्पन्न होगी कई दशाएं हैं उनमें से एक दशा है शीत ऋतु की लंबी रातों में तापीय व्युत्क्रमणता की स्थिति उत्पन्न होती है। दूसरा है स्वच्छ आकाश या स्वच्छ आकाश स्वच्छ आकाश या इसको हम लोग कह लेते हैं बादल रहित आकाश। अगर आकाश में मान लीजिए बादल हैं तब क्या होगा पहले तो ये मान लेते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूफ करते हैं। अगर आकाश में बादल हैं ये आकाश में बादल है तो क्या होता है आकाश में बादल है तो जो पार्थिव विकिरण जाएगी उसको बादल परावर्तित कर देते हैं। 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर बादल है 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर बादल है 4 किलोमीटर की ऊंचाई पर बादल है 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर बादल है किसी भी ऊंचाई पर है तो जो पार्थिव विकिरण जाएगी उसका बादल कर देंगे परावर्तन तो परावर्तित कर देंगे तो धरातल गर्म बना रहेगा और उसके निकट की वायु गर्म बनी रहेगी और ऊंचाई वाली वायु बल्कि उतनी गर्म नहीं रहेगी तो तापीय व्युत्क्रमणता की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। लेकिन अगर वायुमंडल शुष्क है या कहिए बादल रहित है वायुमंडल बादल रहित है जो पार्थिव विकिरण है वो बाहर चले जाएंगे और धरातल शीतल और उसके संस्पर्श की वायु शीतल जबकि कुछ ऊंचाई पर स्थित वायु
गर्म और नीचे से ऊपर तापमान बढ़ता हुआ मिलेगा, अर्थात तापीय विस्तृमता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। किस दशा में? बादल रहित आकाश की दशा में या स्वच्छ आकाश की दशा में। किसी किताब में आप पढ़ेंगे वहां इस टॉपिक को लिखा रहेगा स्वच्छ आकाश, किसी अन्य किताब में बादल रहित आकाश, दोनों का अर्थ एक ही से। दूसरा क्या, तीसरा पॉइंट क्या है? मध्य पवन प्रवाह या शांत वायुमंडल। अगर वायुमंडल में पवन प्रवाह तेजी से हो रहा है, पवन प्रवाह तेजी से हो रहा है, तब उस दशा में क्या होगा? मान लीजिए धरातल के निकट की वायु विकृत के उत्सर्जन के कारण, धरातल द्वारा विकृत के उत्सर्जन के कारण धरातल के निकट की वायु धरातल शीतल और धरातल के निकट की वायु शीतल हो रही है और ऊंचाई पर स्थित वायु गर्म है, तापीय विस्तृमता की स्थिति उत्पन्न हो रही है। उसी समय क्या है कि वायुमंडल में हलचल है, तो क्या हो रहा है कि ये हलचल के कारण पवन संचार है, तो ये शीतल नहीं रह पाएगी और ये गर्म नहीं रह पाएगी ना, इसमें परिवर्तन हो जाएगा। पवन का प्रवाह हो रहा है तो ये स्थिर नहीं रहेगी, तो ये धरातल शीतल हो रहा है लेकिन कहीं से गर्म वायु आकर के यहाँ पर बह रही, तो क्या हो जाएगा? या इसमें क्या हो रहा है, पवन प्रवाह के कारण जैसे संवहन धाराएं बह रही हैं या पवन प्रवाह जैसे हो रहा है तो उष्मा का मिश्रण होता रहता है, तो ये स्थिति बरकरार नहीं रहेगी। अगर तापीय विस्तृमता की स्थिति बन भी गई और वायुमंडल अशांत है तो ये स्थिर नहीं रहेगी, ये स्थिति बदल जाएगी। नेक्स्ट है इसमें शुष्क वायुमंडल, या कोई इसी को लिख दिया आर्द्रता रहित वायुमंडल, कोई शुष्क वायुमंडल और कोई लिख रहा है आर्द्रता रहित वायुमंडल, रहित वायुमंडल शुष्क वायुमंडल, कोई लिख रहा है आर्द्रता रहित वायुमंडल। धरातल के निकट की जो वायुमंडल है उसमें क्या है, मान लीजिए कि जलवाष्प क्या करती है, जलवाष्प विकिरण का बड़े पैमाने पर अवशोषण करती है। वाटर वेपर की विशिष्ट उष्मा, जलवाष्प की विशिष्ट उष्मा बहुत ज्यादा होती है, जिसकी विशिष्ट उष्मा ज्यादा होगी वो उष्मा का ज्यादा अवशोषण भी करेगी, उष्मा का ज्यादा उत्सर्जन की भी क्षमता उसमें ज्यादा होगी। तो ऐसी स्थिति है कि आकाश अगर मान लीजिए आर्द्र है तब क्या होगा, धरातल से विकिरण का उत्सर्जन हुआ और धरातल के निकट की जो वायु है जिसमें जलवाष्प है वो विकिरण का अवशोषण कर लेगी, तो विकिरण का अवशोषण करने से जो जलवाष्प है उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी और जलवाष्प की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी तो उसके तापमान में वृद्धि होगी और जलवाष्प के तापमान में वृद्धि होगी तो धरातल के निकट की वायु का एक महत्वपूर्ण अवयव जलवाष्प है, धरातल के निकट की वायु क्या रहेगी, गर्म बनी रहेगी और धरातल के निकट की वायु गर्म और ऊपर की वायु शीतल, वायु अपेक्षाकृत शीतल न और कुछ ऊपर की वायु अपेक्षाकृत शीतल, तो ये तो सामान्य दशा हो गई, ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट हो जाएगा। लेकिन तापीय विस्तृमता किस दशा में उत्पन्न होगा, तापीय विस्तृमता कहते किसको है, ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट के बजाय तापमान में क्या होने लगे, वृद्धि होने लगे, इस परिघटना को तापीय विस्तृमता कहते हैं। तो यह कब उत्पन्न होगी, जब वायु शुष्क होगी, धरातल के निकट मान लिया सरफेस है और इसके निकट की वायु यहाँ पर है शुष्क, अर्थात इसमें जलवाष्प नहीं है, जलवाष्प नहीं है तो क्या हो जाएगा, पार्थिव विकिरण बाहर निकल जाएगी, पार्थिव विकिरण जब बाहर निकल जाएगी तो क्या हो जाता है, धरातल शीतल हो जाएगा और इसके संस्पर्श की वायु शीतल हो जाएगी जबकि कुछ ऊंचाई पर स्थित वायु गर्म अपेक्षाकृत अधिक गर्म होगी, अर्थात तापीय विस्तृमता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। शुष्क वायु या आर्द्रता रहित वायु की दशाओं में तापीय विस्तृमता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। दूसरा क्या है, ठंडी वायु राशि का आगमन। अगर कोई अर्थ सरफेस है जहां पर धरातल के निकट गर्म वायु है, धरातल के निकट गर्म वायु है और ऊंचाई पर शीतल वायु है ना, ऊंचाई पर शीतल वायु है और धरातल के निकट गर्म वायु है, गर्म वायु जो होती है उसकी डेंसिटी सामान्यतः कम होती है, गर्म वायु सामान्यतः हल्की होती है और शीतल वायु क्या रहती है, सामान्यतः तापमान कम होने के कारण उसमें संपीड़न का गुण पाया जाता है तो इसलिए वह हो जाती है भारी। तो अगर शीतल ठंडी वायु राशियां आ करके गर्म वायु राशि से टकरा रही है, ठंडी वायु राशि, तो क्या हो जाएगी, ठंडी वायु राशि आकर के धरातल पर व्याप्त हो जाएगी और गर्म वायु राशि को ऊपर उठा देगी, ठंडी वायु राशि कहीं पर धरातल पर थी गर्म वायु राशि और ऊंचाई पर थी अपेक्षाकृत शीतल वायु राशि और वहां पर अगर शीतल वायु राशि का आगमन हुआ तो शीतल वायु राशि धरातल के निकट ऐसे व्याप्त हो जाएगी और गर्म वायु राशि कहां चली जाएगी, गर्म वायु राशि को यह ऊपर उठा देगी, अपने ऊपर उठा देगी गर्म वायु राशि को, तो शीतल वायु राशि के संस्पर्श में ऊपर की वायु राशि उसके ऊपर स्थित वायु होगी शीतल और जिससे
नीचे से ऊपर बढ़ने पर और ऊपर की जो गर्म वायु व्यास है वो नीचे की शीतल वायु व्यास को गर्म करने का प्रयास करेगी, तो नीचे से ऊपर तापमान बढ़ता हुआ मिलेगा, अर्थात तापीय व्युत्क्रमणता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। किस दशा में? जब धरातल गर्म हो लेकिन वहां पर शीतल वायु व्यास का आगमन हो जाए। शीतल वायु व्यास क्या होगी? धरातल के निकट व्याप्त हो जाएगी और गर्म वायु व्यास को अपने ऊपर उठा देगी। नीचे तापमान क्या हो जाएगा? नीचे तापमान कम और ऊपर तापमान ज्यादा हो जाएगा। फिर हो गया हिमाच्छादित धरातल। अगर धरातल हिमाच्छादित हो, क्या हो गया? हिमाच्छादित धरातल, यदि धरातल हिमाच्छादित है तब क्या होगा? हिमाच्छादित धरातल है तो दो चीजें होती है, एक तो हिम का तापमान कम है, इसलिए हिम का तापमान कम है, धरातल बर्फ से, हिम से, स्नो से, आइस से, स्नो से ढका हुआ है, तो उसके संस्पर्श की वायु क्या होगी? शीतल होकर के उसी के सापेक्ष बैठी रहेगी। और ऊपर क्या है? वायु ऊष्मा की कुचालक है, गर्म है, वो ऊपर भी आता है, तो नीचे से ऊपर तापमान बढ़ता हुआ मिलेगा। दूसरा क्या होता है कि अगर धरातल हिमाच्छादित है तो क्या होगा? धरातल हिमाच्छादित है तो हिम का एल्बिडो ज्यादा होता है ना, कितना होता है हिम का एल्बिडो? 45 से 80 आपने हिम का लिखा है, 80 से अधिक आपने बर्फ का लिखा है, 45 से 80 हिम का, क्योंकि हिम ऊपरी भागों में है तो उसके नीचे दबाव के कारण आइस भी रहती है, तो आइस का 80 या उससे ज्यादा, और हिम का इसलिए 45 से 80 तक हम लोग हिम का मान लेते हैं, होता है 45 से 80। तो इस दशा में क्या होता है कि हिम का एल्बिडो ज्यादा होता है, अर्थात हिम क्या करती है? अपने ऊपर आपतित सौर विकिरण की कम से कम 45 और ज्यादा से ज्यादा 80% मात्रा को परावर्तित कर देती है। 45-80% एल्बिडो होने का तात्पर्य है। अब क्या होगा कि एल्बिडो इसमें हिमाच्छादित धरातल है तो जो सौर विकिरण आई उसको परावर्तित कर दिया ज्यादा मात्रा, तो हिमाच्छादित धरातल शीतल बना रहेगा। वैसे भी वो हिमाच्छादित है, 0 डिग्री सेल्सियस से कम या 0 डिग्री सेल्सियस है उससे कम तापमान वाला धरातल है ही, और जो आ रही है सौर विकिरण उसको भी परावर्तित कर दे रही है, तो धरातल शीतल और उसके संस्पर्श की वायु शीतल बनी रही। लेकिन जब विकिरण का परावर्तन होगा सौर विकिरण का, तो कुछ ऊंचाई पर स्थित वायु को वो गर्म करते हुए जाएगी, तो कुछ ऊंचाई पर स्थित वायु विकिरण जब एक बार आई और फिर विकिरण जा रही है तो आते समय भी गर्म करेगी, जाते समय भी गर्म करेगी, तो कुछ ऊंचाई पर स्थित वायु अपेक्षाकृत अधिक गर्म हो जाएगी, जबकि धरातल के निकट की जो वायु है वो हिम के प्रभाव से शीतल बनी रहेगी, तो नीचे से ऊपर बढ़ने पर तापमान में वृद्धि होगी और यही परिघटना कहलाती है तापीय व्युत्क्रमणता, अर्थात हिमाच्छादित धरातल की दशाओं में भी तापीय व्युत्क्रमणता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो तापीय व्युत्क्रमणता का जो 4 प्रकार आपने पढ़ा है उनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रकार है विकिरण व्युत्क्रमणता, क्योंकि ये धरातल के निकट की, इसको धरातलीय व्युत्क्रमणता भी कहते हैं। विकिरण व्युत्क्रमणता को धरातलीय व्युत्क्रमणता या सतही व्युत्क्रमणता या स्थिर व्युत्क्रमणता या अप्रवाही व्युत्क्रमणता कई नामों से जाना जाता है। यह धरातल के निकट उत्पन्न होती है इसलिए इसको धरातलीय व्युत्क्रमणता, यह पृथ्वी के सरफेस पर उत्पन्न होती है इसलिए सतही व्युत्क्रमणता कहते हैं, वायुमंडल की शांत दशाओं में उत्पन्न होती है इसलिए इसको अप्रवाही व्युत्क्रमणता कहते हैं, विकिरण के उत्सर्जन की दर में अंतर के कारण उत्पन्न होती है इसलिए इसको विकिरण व्युत्क्रमणता कहते हैं, वायुमंडल के स्थिर होने की दशा में उत्पन्न होती है इसलिए इसको स्थिर व्युत्क्रमणता भी कहते हैं। अब इस व्युत्क्रमणता का सबसे ज्यादा संबंध लिविंग बीइंग से होता है, क्योंकि जो जीव जगत है वो कहां पर है? अर्थ सरफेस पर है, चाहे वनस्पतियां हो चाहे जंतु हो, उनका संबंध सरफेस के निकट की वायुमंडल, धरातल के निकट की वायुमंडल से अधिक है और ये धरातल के निकट की ही वायुमंडल में उत्पन्न होती है। तो यह जो व्युत्क्रमणता के 4 आपने प्रकार पढ़ा है उसमें व्युत्क्रमणता का यह प्रकार जलवायु और मौसम संबंधी घटनाओं के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी है। विकिरण व्युत्क्रमणता की ही दशा में क्या होता है? किसी स्थान पर कोहरा पड़ता है। विकिरण व्युत्क्रमणता किसी दशा में किसी स्थान पर कोहरा पड़ने के लिए, कोहरे के लिए कौन सी दशाएं आवश्यक है? जो विकिरण व्युत्क्रमणता के जो आवश्यक दशाएं आपने लिखा है यही किसी स्थान पर कोहरे के लिए भी आवश्यक दशाएं हैं। किसी स्थान पर कोहरे के लिए भी आवश्यक दशाएं यही हैं। बात समझ रहे हैं ना? कोहरे के लिए भी आवश्यक दशाएं यही हैं जो विकिरण व्युत्क्रमणता के लिए आवश्यक दशाएं हैं। तो कोहरे वाले टॉपिक में आप पढ़ेंगे।
अब जैसे मुख्य परीक्षा में लिखना है तो कम शब्दों में, जैसे शीत ऋतु की लंबी रातों में विक्रम विक्रमता कैसे उत्पन्न होती है तो हमने इतना एक्सप्लेन किया, लेकिन वहां मुख्य परीक्षा में कैसे लिखेंगे, एक लाइन में आप लिख लेंगे कि शीत ऋतु की लंबी रातों में, शीत ऋतु की लंबी रातों में बहिर्गामी पार्थिव विकिरण प्रवेशी सौर विकिरण की अपेक्षा बहिर्गामी पार्थिव विकिरण अधिक सक्रिय हो जाता है, जिससे धरातल शीतल एवं उसके संस्पर्श की वायु शीतल हो जाती है, जबकि कुछ ऊंचाई पर स्थित वायु गर्म रहती है, जिससे नीचे से ऊपर बढ़ने पर तापमान में वृद्धि होती है। बस अब ये सब नहीं कि नीचे से ऊपर बढ़ने पर तापमान में वृद्धि होती है, जिसे तापीय व्युत्क्रमणता कहते हैं। फिर क्यों बार बार तापीय व्युत्क्रमणता को हर जगह परिभाषित नहीं करेंगे, एक बार आपने परिभाषित कर दिया है फिर उसी के आधार पर आप लिखते चले जाएंगे। कम शब्दों में अगर आप अपनी बात करते हैं तो अच्छे प्रशासक बनेंगे, और जिनकी ज्यादा शब्दों में अपनी बात करने की आदत पड़ जाती है वो लोग शिक्षक बनते हैं, प्रोफेसर बन जाएंगे, प्रवक्ता बन जाएंगे। कम शब्दों में अपनी बात करने का गुण डेवलप हो जाएगा तो प्रशासक बनेंगे। ओके, बस आज इतना ही, कल हम लोग विक्रमता के अन्य जो तीन प्रकार हैं उसको पूरा करेंगे।